राशन कार्ड, राशन कार्ड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपके एड्रेस को वेरीफाई करा सकता है, यहाँ तक कि गवर्नमेंट और प्राइवेट होने वाले जो वेरिफिकेशन होते हैं या फिर किसी भी फॉर्म को फिल करने में अगर आपके पास में कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप राशन कार्ड लगा के भी वो वेरिफिकेशन पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों राशन कार्ड बहुत ही ज़रूरी है हम सबके लिए, मतलब कि आपके नेम से तो नहीं बन सकता लेकिन जो घर का मुखिया होता है, मतलब कि जैसे कि आपके घर में आपके फादर सबसे बड़े हैं तो उनके नेम से बन सकता है या फिर आपकी मदर के नेम से भी बन सकता है। हाँ, अगर आपकी शादी हो गई है तो आप अपने नेम से बनवा सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि आप लोग राशन कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास में आपका राशन कार्ड नंबर है या फिर नहीं है तब भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही राशन कार्ड से मिलने वाले सामानों को आप लोग चेक कर सकते हैं, मतलब कि आप उसकी पूरी पासबुक चेक कर सकते हैं कि आपने कौन सी डेट में कहां से वो सामान लिया था। जैसे कि राशन कार्ड पर आपको भी पता है कि चीनी मिलती है, तेल मिलता है वगैरह वगैरह। इस वीडियो में जान पाएंगे कि आपने अपने राशन कार्ड से कब कौन सा सामान लिया है और कितने क्वांटिटी में लिया है, मतलब कि 5 kg या फिर 10 kg। आज की वीडियो शुरू होती है यहाँ से, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। वीडियो पूरी देखिएगा तभी आप इस पूरे प्रोसेस को समझ पाएंगे। तो दोस्तों राशन कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको इस साइट पे आना है। इस साइट का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस लिंक पे क्लिक करके आप इस साइट पे आ सकते हैं। अगर आप मैन्युअली इस साइट पे आना चाहते हैं तो आपको सर्च करना है pdsportal.nic.in, इतना डालेंगे तो आप इस साइट पे आ जाएंगे। दोस्तों इस पेज पे आने के बाद में बहुत सारी चीजें हैं लेकिन किसी को हमें छेड़खानी नहीं करनी है, हमें यहाँ पे आना है और यहाँ पे लिखा है राशन कार्ड डिटेल, इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप एक नए पेज पे पहुंच जाएंगे और यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। स्टेट सेलेक्ट करेंगे तो जैसे कि हम लोग राजस्थान का करते हैं तो हमने राजस्थान पे क्लिक करा। क्लिक करने के बाद में आप इस पेज पे पहुंच जाएंगे, यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, ऑल, अर्बन और रूरल। अगर आप शहर में रहते हैं तो आपको अर्बन पे क्लिक करना है और अगर आप गांव में रहते हैं तो आपको रूरल पे क्लिक करना है। तो होगा इससे दोस्तों ये कि आपको जल्दी ही अपना जो राशन कार्ड है उसकी डिटेल आपको मिल जाएंगी। फिर उसके बाद में यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, तो राजस्थान स्टेट के जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप लोग रहते हैं उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और फिर यहाँ पे भी दे रखा है अर्बन और रूरल तो यहाँ पे आप लोग क्लिक कर देंगे। उसके बाद में दोस्तों आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट की नगर पालिका जो है वो सेलेक्ट करनी है, तो यहाँ पे जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट की नगर पालिका है उसको आपको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद में दोस्तों आपको अपना वार्ड नंबर सेलेक्ट करना है। तो अगर आपको अपना वार्ड नंबर नहीं पता तो आप अपने वोटर आईडी कार्ड पे देख सकते हैं, उसके पीछे लिखा होगा वार्ड नंबर, या फिर आप अपने घर में किसी बड़े से भी पूछ सकते हैं या फिर अपने पड़ोसी से भी पूछ सकते हैं आपका वार्ड क्या है। तो हम एग्जाम्पल के तौर पर वार्ड 1 ले लेते हैं। तो दोस्तों इस पेज पर आने के बाद में हमारे सामने सबसे पहली चीज आती है FPS नेम। अब FPS नेम है क्या? तो FPS का मतलब है फेयर प्राइस शॉप, मतलब कि अगर आपके घर के नजदीक ही कोई ऐसी शॉप है जो राशन का सामान डिस्ट्रीब्यूट करती है तो उस बंदे के पास जाना है आपको और जो उसका ओनर है उसका नाम जानना है, फिर इस लिस्ट में आना है, जहां पर उसका नाम दिखेगा उस पर आपको क्लिक करना है। तो हम एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग सेकेंड वाले को सेलेक्ट कर लेते हैं और दोस्तों यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद में थोड़ा सा वेट जरूर करिएगा कि साइट जो है वो बहुत स्लो है और ओपन होने में कम से कम 5 मिनट लग रहे हैं। यहाँ तक आप आएंगे तो दोस्तों आपकी जो साइट है वो बहुत ही जल्दी खुल जाएगी, लेकिन जैसे ही आप शॉप का जो ओनर है उसका नेम सेलेक्ट करेंगे तो आपको कम से कम 3 या फिर 4 मिनट का वेट करना पड़ेगा। आपको इतने में बैक नहीं जाना है ना ही इस पेज को कट करना है। फिर 2-3 मिनट बाद दोस्तों आपके सामने ऐसा पेज खुल जाएगा। अब यहाँ पे राशन कार्ड नंबर आप लोग देख सकते हैं ये लिखा हुआ है, अगर आपको अपना राशन कार्ड नंबर पता है तो यहाँ से उसकी डिटेल जान सकते हैं। दूसरा, अगर आपके पास में राशन कार्ड नंबर नहीं है तो आप अपना नाम या फिर अपने माता पिता का नाम भी यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। अब दोस्तों एक ही नाम के काफी व्यक्ति होते हैं तो आप फादर नेम जरूर चेक करिएगा और एड्रेस भी एक बार चेक कर लीजिएगा। तो अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि आपका ये फर्स्ट वाला है तो हम इस पे क्लिक करते हैं। अब क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देखिए उसकी सारी डिटेल आ गई हैं और यहाँ पे सारी डिटेल आ गई हैं और यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे फोटो भी आ गया है। अब यहाँ पे दोस्तों जो नाम है उनके घर में कितने व्यक्ति हैं उनका यहाँ पे नेम दे रखा है और उनकी एज दे रखी है और यहाँ पे उनके फादर का नेम दे रखा है और यहाँ पे बता रखा है कि वो अपने घर में क्या है। तो फर्स्ट वाली जो है वो है ये इनकी वाइफ है और ये जो सेकेंड वाले हैं ये खुद इनके हस्बैंड है, तो ये दोनों हैं इस राशन कार्ड में और इन दोनों को इसकी फैसिलिटीज वगैरह मिलेंगी। अब मैंने पासबुक की बात की थी तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सारी डिटेल हैं, जैसे कि 7 फरवरी और यहाँ पे टाइमिंग भी दे रखा है और यहाँ पे दे रखा है FPS वगैरह और यहाँ पे ये बताया गया है कि इन्होंने ये जो है इन्होंने क्या इस दुकान से खरीदा है, तो यहाँ पे वो चीज़ लिखी है और कितना खरीदा है, कितना मिला है इनको, वो भी उसकी क्वांटिटी भी यहाँ पे लिखी है। अब ये पूरी पासबुक आपके सामने आ जाएगी और इसमें एक एक मिनट का, मतलब कि हर डे का होगा कि आपने कौन से दिन में क्या क्या वहाँ से लिया है।
इसका प्रिंट निकालने के लिए दोस्तों आप कंट्रोल ऑल करेंगे, फिर कंट्रोल प्लस पी दबाएंगे। तो दोस्तों आपके पास में अगर प्रिंटर है तो प्रिंट कर सकते हैं आप लोग डायरेक्टली। अगर आपके पास में प्रिंटर नहीं है तो इस पेज को सेव करके आप साइबर कैफे से भी इसे निकलवा सकते हैं। अब दोस्तों काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि जो राशन कार्ड है वो ज़्यादा यूज़ में नहीं आता है, तो दोस्तों आपका गलत सोचना है, क्योंकि राशन कार्ड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो बहुत ही मुश्किल से बनता है और बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर हैं जिनको फॉलो करने के लिए आपके पास में राशन कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों अब मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया है कि आप लोग कैसे इसे डाउनलोड करेंगे, कैसे ओपन करना है, कैसे अपना नाम सर्च करना है और कैसे इसे आप लोग प्रिंट निकाल सकते हैं। अब दोस्तों ये तो हो गई पूरी राशन कार्ड की बात कि कैसे डाउनलोड वगैरह करना है, लेकिन अब मैं आपको कुछ ऐसी जानकारी दूंगा जिसको सुन के आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो हम लोग बैक चलते हैं। अब बैक चलने के बाद में दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे स्टेट हैं आपके सामने, लेकिन दोस्तों यहाँ पे यूपी का नहीं खुल रहा है, यहाँ पे बिहार का नहीं खुल रहा है, यहाँ पे उत्तराखंड का नहीं खुल रहा है, यहाँ पे कुछ सेलेक्टेड इन लोगों ने लगा रखे हैं जो स्टेट हैं उन्हीं का खुल रहा है। अगर मैं उत्तर प्रदेश पर क्लिक करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि ये क्या लिखा रहा है, और अगर मैं उत्तराखंड का खोलता हूँ तो भी दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा रहा है आप लोग देख सकते हैं। तो बस दोस्तों ये ही है कि अब ये नहीं पता कि ये आने वाले टाइम में कब खुलेगा। मैंने इनकी जो वेबसाइट है उसको मेल करके पूछा है कि ये जो प्रॉब्लम है ये सिर्फ मेरे साथ आ रही है कि सबके साथ आ रही है, लेकिन परेशान होने वाली बात नहीं है अगर आप उत्तर प्रदेश या फिर उत्तराखंड या फिर बिहार वगैरह से हैं, क्योंकि अभी साइट जो है उस पर थोड़ा काम चल रहा है और इन्होंने थोड़े ही स्टेट के जो नेम है वो रिवील करे हैं। आने वाले टाइम में उत्तर प्रदेश का भी खुलेगा, बिहार का भी खुलेगा और उत्तराखंड का भी खुलेगा। तो आप लोग पहले चेक ज़रूर कर लीजिएगा, उसी के बाद में जो मैंने प्रोसेस बताया है उसको फॉलो करिएगा। आपके पास में एक तरीका और है डाउनलोड करने का, वो ये है कि अगर आपके पास में आपका राशन कार्ड नंबर है तो आप उसे डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप इसके बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, तो मैं उस टॉपिक पे पूरी वीडियो निकाल दूंगा। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।